एक बड़ी खबर आपको बताते हैं वाराणसी से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी के 1991 के मूल केस में आज हुई है सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। एसआई की सर्वे रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए पक्षकारों ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30 जनवरी की तारीख मुकर्र की है। इसी कोर्ट में 24 जनवरी को एसआई ने हाई कोर्ट के निर्देश पर सर्वे रिपोर्ट जमा किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले को 6 महीने के अंदर निस्तारित करने का निर्देश भी दिया है। बड़ी खबर आप बता रहे हैं, मूल केस में सुनवाई हुई है। 6 महीने के भीतर हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस का निस्तारण हो। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, क्या खबर है? देखिए कुंदन, अभी की जो पूरी अपडेट है वो ये है कि एक मामले पर अगर हम गौर करें तो एक मामले पर जो 4 महिला वादियों को लेकर पिछले दिनों एएसआई सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम 5 बजे के बाद ये रिपोर्ट जो पक्षकार है उनको मिल सकती है। और इसके बाद अब ये देखना होगा कि जो जिला जज है उनका निर्णय क्या होगा, क्योंकि उनकी अगर बात करें अपडेट के अनुसार तो सरकारी अधिवक्ता के साथ मीटिंग चल रही है और उस पर मंथन चल रहा है कि नियम क्या कहता है, रिपोर्ट दी जा सकती है, अगर दी जा सकती है तो कितनी जल्दी दी जा सकती है। तो एक अपडेट यह है। और दूसरे अपडेट की मैं बात कर लूं तो इस पूरे मामले में विजय शंकर रस्तू की 1991 के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद जो अभी तक का निर्णय आया है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है और जो एक जो पक्षकार है इसमें उन्होंने भी एएसआई की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट है उसकी मांग की है। तो उसमें उसमें जो डेट मिली है वो 30 तारीख मिली है कि 30 तारीख को जो प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर किया और 30 जनवरी को इस मामले पर फिर एक बार सुनवाई होगी। और ये पूरा मामला हाईकोर्ट के निर्देश पर सुना जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले का निस्तारण करे। जिस पूरे मामले का जिक्र मैं कर रहा हूँ वो मामला है आदि विश्वेश्वर विराजमान, यानी इस पूरे मामले में खुद बाबा विश्वनाथ ही पूरे मामले में मुख्य मुख्य तौर पर है। तो अब इस मामले का भी कहीं ना कहीं ये मामला भी आगे बढ़ रहा है। और दूसरा अगर बात करें तो एएसआई सभी ठीक है। नीतीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए।